वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों इस पार्ट के अंदर हम सीखेंगे कैसे हम अपने एक फ्री ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे। दोस्तों ये पार्ट मैं शुरू करूं उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि दोस्तों यहां मैं आपको लगा रहा हूं बिल्कुल 100% लाइव चैलेंज $50 डे का कि कैसे आप हर दिन के $50 डे कमा सकते हो। और दोस्तों इस कोर्स के अंदर यदि आपको इंटरेस्टेड है तो आप मुझे कमेंट करके भी ये जरूर बता देना कि भाई हाँ सर इस कोर्स को आगे बढ़ाइए ताकि इस कोर्स को मैं और आगे बढ़ाऊँ। मुझे दिख रहा है कि इस कोर्स के अंदर लोगों को बहुत कम इंटरेस्टेड दिख रहा है, मतलब अधिकतर जो मेरी पिछली जो वीडियोज़ है उसको फुल वॉच ही नहीं किया जा रहा है। अधिकतर उसका जो ड्यूरेशन है वो 10 सेकेंड 20 सेकेंड इस तरीके से आ रहा है। अगर आपको इंटरेस्टेड है इस कोर्स के अंदर तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बता देना कि सर कोर्स को आगे बढ़ाइए ताकि मैं कोर्स को आगे बढ़ाऊँ, वरना मैं इस कोर्स पर अपना टाइम खराब ना करूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस पार्ट के अंदर हम सीखेंगे कैसे हम अपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे बिल्कुल फ्री में। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इंस्टाग्राम के अंदर हमें अपना बायो के अंदर अपने एक लिंक देना होगा, फेसबुक के अंदर बायो के अंदर हमें अपने एक लिंक देना होगा, पिंट्रस्ट के अंदर हमें बार बार हम जो भी पिन डालेंगे उस पिन के अंदर हमें बार बार एक वेबसाइट का लिंक देना होगा, जो हम टिकटॉक पर भी जो हम अकाउंट बनाएंगे वहां पर जो हम प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे वहां भी हमें बायो में एक लिंक देना होगा। अब दोस्तों यदि हम बार बार प्रोडक्ट के लिंक को डालेंगे तो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो हमारे अकाउंट को सस्पेंड कर देगा या फिर हमारे लिंक को ब्लॉक कर देगा। तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक लैंडिंग पेज। अब दोस्तों यहाँ पर हम लैंडिंग पेज के रूप में ही एक वेबसाइट कन्वर्ट करेंगे, यानी एक वेबसाइट डिजाइन करेंगे जो कि सेम टू सेम रहेगी एक लैंडिंग पेज जैसी। यानी यूजर्स वहाँ आएगा, वहाँ पर उसको एक प्रोडक्ट की जगह बहुत से प्रोडक्ट शो होंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, यानी जो मेरी जो निश थी मैंने निश फाइंड करी थी फिशिंग रॉड की। अब दोस्तों आपको सेम टू सेम इसी तरीके से वर्क करना है जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं आ चुका हूँ Amazon के मैन डैशबोर्ड पर। और दोस्तों आपको यहाँ पर वही अपना .com वाला अकाउंट ओपन कर लेना है। ठीक है, .com वाला अकाउंट ओपन करने के बाद हमें करना क्या है, यहाँ मैं एक न्यू विंडो ओपन करूँगा। ठीक है, और यहाँ मैं टाइप करूँगा SITES, ठीक है, sites.google.com, ये आपको टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे ऊपर जो दिखेगा यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ हम एक नई साइट बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो ब्लैंक ऑप्शन दिख रहा है यह हम क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद में दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आप अपना एक बिल्कुल बढ़िया सा लैंडिंग पेज कैसे बना सकते हो। ठीक है, यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट जैसी कैसे बना सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ आपको क्या करना है, सबसे ऊपर यहाँ आपको एक नॉर्मल सा इमेज लगाना है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि मेरी जो निश थी वो फिशिंग रॉड थी। अब दोस्तों फिशिंग रॉड ही थोड़ी निश चल सकती है, यहाँ पर हमें कुछ अच्छा नाम भी रखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं न्यू विंडो ओपन करूंगा और दोस्तों यहाँ मैं टाइप करूंगा लैन डोमेन सर्च। ठीक है, आपको यहाँ पर डालना लैन डोमेन सर्च आपको लिखना है। ठीक है, और नीचे तरफ स्लाइड करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये नाम दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, अब दोस्तों जो मेरी जो निश थी वो थी क्या थी, फिशिंग रॉड। तो यहाँ मैं लिखूंगा फिशिंग रॉड। ठीक है, मैंने आप लिखा फिशिंग रॉड और मैं इंटर करूंगा। ठीक है, इंटर किया उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मुझे बहुत से नाम शो हो जाएंगे जिन नाम को मैं अपने लैंडिंग पेज में जो मेन फ्रंट है वहाँ पर यूज कर सकता हूँ, उसी नाम को मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर यूज कर सकता हूँ, उसी नाम को मैं फेसबुक पिंट्रस्ट और जो भी हमारा रहेगा ट्विटर, जो भी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करेंगे अपनी सेल लाने के लिए वहाँ मैं इनको यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक अच्छा सा नाम सर्च कर लेना है। दोस्तों ये जो वेबसाइट है ये हमारा एक अच्छा नाम और ट्रेंडिंग नाम सर्च करने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, तो क्या करना है दोस्तों, यहाँ से मैं कोई भी अच्छा सा नाम सर्च कर लेता हूँ। जैसे यहाँ मुझे दिख रहा था एक अच्छा सा नाम, अभी ये ले लेते हैं फिशिंग रॉड इंटरनेशनल, ये ले लो। क्योंकि दोस्तों हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप गुड फिशिंग रॉड ये ले लो। ठीक है, आप इस तरीके से कुछ अच्छा ले सकते हो, जस्ट एग्जांपल मैं कोई भी ले लेता, इसको मैंने कॉपी किया, ये मैं नाम रख सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं करना है ये क्या वेबसाइट हमें क्या करती है, एक हमें डोमेन नेम सर्च देती है, लेकिन यहाँ से हम उस नेम को कहीं भी रख सकते हैं, एक अच्छा डोमेन नेम हमें सर्च कर देती है। तो यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और मांगूंगा दोस्तों यहाँ, और यहाँ मैं इसको क्या करूँगा पेस्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ मैं क्लिक करूँगा, इसकी साइज रखता हूँ 48। ठीक है, यहाँ थोड़ा थोड़ा स्पेस दूंगा, जैसे यहाँ स्पेस दे दिया और यहाँ स्पेस दे दिया। ठीक है, इसको मैं बिल्कुल भी फ्रंट में करूँगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ मुझे बैकग्राउंड में एक इमेज लगाना जो कि फिशिंग रोड से होना चाहिए, आपका जो भी आपने जो भी निश सर्च करी है वो उसी निश से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा चेंज इमेज पर और सेलेक्ट इमेज पर मैं क्लिक करूँगा।
और दोस्तों यहीं से मैं सर्च करूंगा, तो यहां पर मैं सर्च पर जाऊंगा और यहां मैं टाइप करूंगा फिशिंग रॉड, ठीक है, और एंटर करूंगा। अब दोस्तों यहां पर क्या होगा, मुझे जो कुछ रॉड शो हो जाएंगी, तो मैं इनमें से कोई भी एक अच्छी रॉड यहां पर लगा सकता हूं। जैसे एग्जांपल मैं क्या करूंगा, अब दोस्तों ये क्या होगा, बैकग्राउंड लग गया है। अब यहां हमारा जो नेम थोड़ा सा अच्छा शो हो रहा है, यहां मैं इसको एकदम वाइट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि शो नहीं हो पा रहा है, यहां मैं इसको एकदम वाइट कर दूंगा। अब ये अच्छे से शो हो पा रहा है, ठीक है, यहां इससे नहीं, तो मैं क्या करूँ, इसको रेड कर दूंगा। अब रेड करके देखते हैं, ये अच्छे से अब शो हो पा रहा है, ठीक है, गुड फिशिंग रॉड, ठीक है। अब दोस्तों यहां मुझे जो नीचे की तरफ अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, ठीक है, उसके लिए करूंगा क्या दोस्तों, यहां मैं क्लिक करूंगा एक इमेज पर, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं यहां से एक, जैसे मैं ये लेता हूं, ठीक है, ये लिए मैंने यहां से। और दोस्तों मैं करूंगा क्या, अब यहां आऊंगा और यहां मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। अब दोस्तों यहां मुझे कुछ इमेज अपलोड करने हैं, तो मैं यहां जाऊंगा अमेजोन पर, ठीक है, और यहां जो मेरी जो निश्चित होती फिशिंग रॉड, तो यहां मैं टाइप करूंगा फिशिंग रॉड, ठीक है, जैसे मैंने यहां पर फिशिंग रॉड टाइप किया, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी प्रोडक्ट जब आप लोग प्रमोट करने के लिए, तो वो $30 से ऊपर होना चाहिए और $200 से कम होना चाहिए, उस पर कम से कम 3.5 की रेटिंग होनी चाहिए, इससे कम रेटिंग नहीं होनी चाहिए, 3.5 से ही ऊपर होनी चाहिए, और दोस्तों उस पर कम से कम 30 रिव्यू होने चाहिए। तो दोस्तों जो मेरे सामने सबसे फर्स्ट जो प्रोडक्ट शो हो रहा है, वो हो रहा है $69 का, लेकिन दोस्तों इसकी प्राइस थोड़ी सी हाई है, तो इसको मैं नहीं लूँगा, थोड़ी सी कम को लूँगा, जैसे यहाँ पर $45 की है, मैं इसको लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखा है इस पर दोस्तों, यदि हम रेटिंग की बात करें तो रेटिंग जो इसके 4.2 की है, कोई नहीं चल जाएगा। यहाँ यदि रिव्यू की बात करें तो रिव्यू बहुत ज़्यादा है इस पर, देख पा रहे हो यहाँ पर। और दोस्तों यदि प्राइस भी देखो तो 4.5 है, यानी कि ये हमारे लिए बिल्कुल भी फिट है। तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, यहाँ क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस इमेज को जो है सेव करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और इसको सेव किया, ठीक है। यहाँ से पर मैं सेकंड इमेज लूँगा, इसको भी मैं क्या करूँगा और सेव करूँगा, सॉरी इसको मैं सेव करूँगा इस तरीके से। यानी आपको यहाँ पर इमेजेस डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है, यहाँ क्लिक किया और यहाँ मैं इसको जो है डाउनलोड कर लूँगा। ऐसा आपको जिस भी प्रोडक्ट को लेना है वो सारे इमेज डाउनलोड करने हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग बनेगी, लेकिन यदि आप 101% रियल अर्निंग करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों आप ऐप को वॉच करके, वीडियो को वॉच करके, ऐप को डाउनलोड करके करोड़पति बन सकते हो, ठीक है। ये ले लिया, अब करना क्या दोस्तों, यहाँ आएंगे और यहाँ पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक इमेज अपलोड कर देंगे इस जगह पर, यहाँ मैं एक इमेज अपलोड कर दूंगा जो कि मेन फ्रेंड का इमेज था, कौन सा था, ये था, ठीक है, ये ले लिया। यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो ये फुल स्क्रीन आ चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ मुझे टाइटल लेना है, तो मैं क्या करूँगा, अमेजोन पर आऊँगा और दोस्तों यहाँ से मैं क्या करूँगा, टाइटल लूँगा, जैसे यहाँ से मैं थोड़ा सा कॉपी करूँगा, कहाँ तक, यहाँ तक ले लो, ठीक है। यहाँ तो कॉपी के चाहो तो पूरा कर सकते हो, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पेस्ट किया, ठीक है। यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन डालूँगा, तो दोस्तों यहाँ वापस आऊँगा और यहाँ से मैं इसके डिस्क्रिप्शन को कॉपी करूँगा, कॉपी किया और मैं आ जाऊँगा यहाँ, ठीक है, और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब दोस्तों करूँगा क्या, यहाँ मांगूंगा वापस और यहाँ लूँगा एक बटन, तो मैं बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ लिखूँगा व्यू इन अमेजोन, ठीक है। दोस्तों यदि आप यहाँ पर लिखोगे वाय नाउ या और यहाँ पर आप यदि वाय नाउ लिखोगे तो यूजर्स को पता नहीं कि प्रोडक्ट मतलब अमेजोन का है क्या। यदि हम अमेजोन लिखोगे तो जो अपना जो भी यूजर्स यहाँ पर आएगा उसको ट्रस्ट मैसेज हो जाएगा, यार तो अमेजोन का प्रोडक्ट है, अमेजोन पर तो कोई फ्रॉड नहीं होता, तो यहाँ से वाय करने के 9 चांस होते हैं वाय करने के, ठीक है। तो यह हम लिखेंगे व्यू इन अमेजोन, ठीक है, व्यू इन अमेजोन लिखो। और दोस्तों यहाँ हमें करना क्या है, यह हम डालेंगे लिंक, ठीक है, यह हम लिंक डालेंगे तो यह हम आऊँगा। और दोस्तों यहाँ इस प्रोडक्ट लिंक कैसे लेंगे, देखो आपने अपना अकाउंट बना लिया होगा, मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ जैसे आप टेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो इसी प्रोडक्ट की लिंक आ जाएगी जो कि हमें यहाँ पर शो हो रहा है, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, ये कॉपी किया और यहाँ आकर के मैं इस लिंक को पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, इंसर्ट पर क्लिक करूँगा। अब दोस्तों यहाँ ही बटन आ चुका, तो इस बटन को मैं नीचे की तरफ स्लाइड करूँगा, यहाँ पर इस बटन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, देखो अब यहाँ पर ये आ चुका है, ये लो ये बटन आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ ये शो हो रहा है। अब दोस्तों मैं करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको जो 4 से 5 मैच डाउनलोड कराए थे वो किस लिए कराए थे, यहाँ मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम अपलोड पर क्लिक करेंगे और दोस्तों जो भी हमने इमेज यहाँ पर डाउनलोड किए हैं उनको यहाँ हम जो है अपलोड कर देंगे, ठीक है,
ओपन पर क्लिक करूंगा और दोस्तों यहाँ ये सारे इमेज आ जाएंगे। उसके बाद मैं सेटिंग पर क्लिक करूंगा, ठीक है, यहाँ क्लिक कर दूंगा, ऑटो स्लाइड पर यहाँ क्लिक करूंगा और यहाँ मैं इसको जो है फास्ट कर दूंगा, इंसर्ट पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर आ गया तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ लगा देंगे जस्ट फ्रंट पर, ठीक है। अब दोस्तों ये बिल्कुल भी भर चुका है जो हमारा कंटेंट और भी आप अच्छा शो हो रहा दिख पा रहे हो यहाँ पर, ठीक है, ये बटन भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ठीक है। अब दोस्तों हम करने क्या, अब हम नीचे की तरफ आएंगे सेकंड, या फिर आप चाहो तो इसकी प्राइस भी यहाँ पर शो कर सकते हो, ठीक है, यहाँ बटन आ जाएगा तो यहाँ इस बटन को हम इसके ऊपर लगा देंगे जस्ट, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ दोनों में से कहीं भी क्लिक करेगा तो वो आ जाएगा अमेजोन पर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ ये हमारे एक पेज तैयार हो चुका है, जस्ट हम क्या करेंगे इसकी जस्ट की टच हम कॉपी कर देंगे, यहाँ अगर इसको हम जस्ट की टच क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली जस्ट की टच कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम करेंगे क्या, जैसे यहाँ हम दोबारा आएंगे अमेजोन पर, ठीक है, अमेजोन पर आए और यहाँ हम क्या करेंगे दूसरा प्रोडक्ट सर्च करेंगे सेम टू सेम इसी तरीके से, सेम टू सेम इसी तरीके से दूसरा प्रोडक्ट सर्च करेंगे। दोस्तों यहाँ मैं बिल्कुल मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनेगी लेकिन आपको समझना है, ठीक है, यहाँ मैं आऊँगा, ठीक है, और यहाँ मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट लेता हूँ, जैसे अब मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, ये लिया, $30 से ऊपर होना चाहिए, पहले ही बता चुका हूँ, तो यहाँ ये $32 चल जाएगा कोई नहीं। यहाँ पर मैं इमेज क्लिक करूँगा और यहाँ मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है, यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा, मैं यहाँ पर 15 से 20 प्रोडक्ट लूँगा और यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप सबको ऐड कर लूँगा। आपको यहाँ पर सेम इसी तरीके से ऐड करना है। अब देखते हैं हमारा लैंडिंग पेज कैसे शो हो रहा है, तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा पब्लिश पर और दोस्तों यहाँ आपको करना क्या है, एक वेबसाइट ऐड करनी है जो कि हमने यहाँ पर लिया था, अपना नेम, कौन सा नेम लिया था हमने, ये नेम लिया था यहाँ पर, इस नेम को हम कॉपी करेंगे, ठीक है, जस्ट की टच, और दोस्तों यहाँ हम क्या करेंगे नाम डाल देंगे। अब दोस्तों क्या होगा, हमारे लैंडिंग पेज एक नेम बन जाएगा, एक बार यहाँ पर ये साइट का नाम आ गया, लास्ट में ये हमारा नेम आ गया, ठीक है, तो यहाँ मैं पब्लिश पर क्लिक कर दूंगा और दोस्तों यहाँ ये हमारा लैंडिंग पेज कंप्लीट है। इसको मैं एडिट करके बाद में और 15 प्रोडक्ट ऐड करूंगा लेकिन वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, इसलिए मैं यहीं पर इसको जो अप कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ मैं एक बार देखूंगा मेरा लैंडिंग पेज कैसा शो हो रहा है, तो यहाँ पर व्यू क्लिक करूंगा मैं। अब दोस्तों यहाँ मेरा लैंडिंग पेज देख पा रहा हूँ कितना अच्छा शो हो रहा है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं, देख पा रहा हूँ यहाँ ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं और दोस्तों यहाँ ये प्रोडक्ट आ चुका है, यहाँ लिंक आ चुका है, यदि क्लिक करता है यहाँ पर तो वो रिडायरेक्ट होगा कहाँ पर, अमेजोन पर, ठीक है यहाँ यदि वो क्लिक करता है, यदि वो व्यू इन अमेजोन पर क्लिक करेगा तो भी वो अमेजोन पर ही रिडायरेक्ट होगा। दोस्तों यहाँ दोनों लिखने से ये फायदा है कि यदि यूजर्स यहाँ से खरीदना चाहते हैं यहाँ से खरीद ले, ठीक है, और यदि वो चाहे अमेजोन पर परचेज करना तो जाएगा दोबारा अमेजोन पर ही, यानी दोनों यहाँ से वो अमेजोन पर ही जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आपको इस तरीके से कम 15 प्रोडक्ट ऐड करने हैं, उसके बाद हम यहाँ इस लिंक को तीन से चार जगह हम पेस्ट करेंगे। आई होप दोस्तों जो मैं समझाना चाह रहा था इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से आपको अपना एक जो है ई कॉमर्स साइट या फिर आप जिसे आप लैंडिंग पेज बोल सकते हो आपको बना लेनी है, और दोस्तों ये जैसे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है तो हमारा वर्क यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद हम स्टार्ट करने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना और फिर दोस्तों यहाँ मैं आपको 3 से 4 दिन के अंदर आपको सिखा दूंगा कैसे आप $50 डे हर दिन के कमा सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम सीखेंगे इंस्टाग्राम पर अपना एक सुंदर सा पेज बनाना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।